नीचे आओ यार, आजा यार, आजा आजा आजा, सामने सामने रुकिए, इधर करते हैं, माइक्रो माइक्रो माइक्रो, इधर इधर इधर, थोड़ा हिस्सा लिए शिल्पा जी, शिल्पा जी थोड़ा हिस्सा, आ रहा है, रुको रुको रुको, अरे कौन है ये, सेंटर जी, अटेंशन मैम, वेट वेट वेट, शिल्पा जी सर मेरे पास ही देखा, आपने सेंटर नहीं देखा, एकदम सेंटर, शिल्पा जी, ही यही आ रहे शमिता मैम, ओह नाइस, एकदम सेंटर, यहाँ पे सब लोग मेरे पास, एकदम सेंटर, इधर 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 देखा ही नहीं, वेट वेट, आ रही हूँ यार, सॉरी सॉरी, सेंटर, इधर मेरे पास, राइट राइट, इधर माजा कड़े, हाँ तुझे कड़े, आप नहीं, मैं यहाँ पे, मैं इधर देखो ना सब, मैं मूर्ति, सर सर अरे 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 स्पाइडरमैन, अकांक्षा जी ये झालं काय, सोलो मेले पे देलो, मैं सोलो सोलो, अकांक्षा जी रात कर को बुला ले, एक सोलो कर लेते, सिटो में एक सोलो सोलो करते, शिल्पाजी मेरी तरफ, शिल्पाजी लेफ्ट, आपके लेफ्ट, हम लेफ्ट में, शिल्पाजी लेफ्ट में, यहाँ पे मैंने टेक्सॉप्स भी देखी हुई है क्योंकि मेरी बहन की पिक्चर है और मुझे बहुत अच्छी लगी, सुश्रुति हैज़ डन अ फैबुलस जॉब, ही इज़ अ ग्रेट राइटर एंड नाउ ही इज़ डायरेक्टिंग, माय सिस्टर बिना कोई बायस में ये बोल सकती हूँ इट्स वन ऑफ आवर बेस्ट परफॉर्मेंसेस एंड इट्स अ रियली ब्यूटीफुल फिल्म द टेनेंट, आज का जो माहौल है लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये कलयुग है तो इस दौर में कैसे लोग एक टेनेंट की तरफ देख के यू नो दे कास्ट एस्पर्जंस और जजमेंट्स पास करते हैं उसके बारे में एंड अबाउट हाउ लाइफ हैज़ बिकम यू नो लाइफ टुडे, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है और प्लीज़ जाके देखें आप, बिल हाल ही में हमने सुना है कि डेट बाजी में भी हमारे को बहुत ही जल्द देखने मिलेगा, कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में, उसके बारे में आप अलग दिन पे बात करें, पठान आपने देखा, कौन सा डायलॉग इतने सारे सर, भाई सर बोलिंग, I did see the trailer. I think it's looking fabulous. I remember Shamita telling me shooting this film, she was really happy because it was not a regular film. Or I wanted that when it comes out, main dekhun because the one line of the story which you'll know soon is really good. So very proud. She's a great friend and I love all of them. So I've just come to support. Are we going to see any of your projects in 2023? So I've taken a 3-year sabbatical, last 3 years ever since I did my last show on television called Behad. I've been building my own businesses, I've been doing some kind of production myself, you'll know soon. But I think this year in 23 I plan to restart acting. Thank you, thank you. Sir, video is still ready. Sir, sir. Sir.